वहीं अगली खबर अनूपपुर जिले से है, जहां पुष्पराजगढ़ जनपद के अंतर्गत कुम्हानी पंचायत में ग्रामीण जन आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें, कुम्हानी पंचायत में करीब 500 से ज्यादा लोग सिर्फ एक टोला में निवास करते हैं, तो वही दूसरे टोला बुलहुपानी के ऊपर टोला से लेकर नीचे टोला में 400 लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ न सड़क है, न बिजली और न ही कोई उचित व्यवस्था। बड़ी कठिनाइयों के साथ इन ग्रामीणों को अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। क्या समस्या है, आप क्या विरोध कर रहे हैं सरकार की? सरकार के तो हम यह विरोध कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा है। वोट देते देते आज आजादी भी हमारा बीत गया, यहाँ कोई देखने वाले नहीं। आप लोगों ने कभी बात करनी चाहिए आपने जनप्रतिनिधियों से, राजनेताओं से, जैसे सांसद भी यहाँ निवास करती हैं? नहीं, सांसद भी यहाँ नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। कुंदेलाल विधायक जी हैं, वो एक बार आए थे, बाकी ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, बाकी कुछ नहीं करवाया। कब आए थे, कितने साल हुए आए थे? पिछले वर्ष। पिछले वर्ष जी। उसके बाद कभी आए? उसके बाद नहीं आया दोबारा, उसके बाद कभी नहीं आए, कभी नहीं। और भी यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, हम महिलाओं से जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या है इनके गांव में, क्या सुविधाएं हैं। क्या नाम है आपका? धनमतिया भाई। धनमतिया जी, आप पानी कहाँ से लेके आती हैं? नदिया से। कितने दूर है लगभग नदी? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है। जैसा कि आप 20 किलोमीटर पानी लेके आ रहे हैं, तो क्या यहाँ सरकार की योजना नल जल योजना पहुँची है आप तक? नहीं पहुँचा है। इस गांव में और कितने गांव हैं आपके अगल बगल, जो टोला मोहल्ला है? बहुत गांव है सर, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है? पानी की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, न यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, न यहाँ घर आवासन की कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि धनमतिया जी बता रही हैं कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ खोखले वादे हुए हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? किरी भाई। आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ। सरकार की योजना जैसे नल जल योजना है, लाडली बहना, इनमें से कोई योजना मिली है? आवास योजना? आवास योजना नहीं मिला है सर। फिर बिजली की क्या स्थिति है यहाँ पर? नहीं है सर, अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। अंधेरे में रास्ता है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। नदी से लाना। सड़क की क्या व्यवस्था है? नहीं, सड़क भी नहीं है। बीमार होते तब कहाँ जाते हैं आप? पैदल जाते हैं, खमरो नहीं, शहडोल, शहडोल जाते हैं। यहाँ नजदीकी आपको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है? नहीं है सर। और भी कुछ ग्रामीण भाइयों से हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या सुविधा है। क्या नाम भैया आपका? कालूराम बैगा। कालूराम बैगा जी, यहाँ अपने गांव में क्या क्या सुविधा है शासन की तरफ से, जो योजना है बताएंगे आप? सर हमारे यहाँ जो शासन की जो योजना है, योजनाएं हमारे यहाँ नहीं है। क्या क्या योजना नहीं है आपके यहाँ? सड़क, न बिजली, न पानी, न पीएम आवास, और जो बैगा को जो कुपोषण पैसा मिलता रहा वो भी नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों ने कभी शिकायत दिया कहीं लिखित में? जी सर, हम लोग सर्वप्रथम जो है तो हम लोग चंदा करके एक पिकम बुकिंग किया, उसमें 30-40 लोग जो है तो डब्बा तबला गगरी लेकर के जो कमिश्नर कार्यालय गए थे। क्या बोले कमिश्नर साहब, क्या आश्वासन दिए? कमिश्नर साहब ये बोले कि मान ले हो जाएगा, करवा दूंगा। कब तक करवा देंगे, कुछ ऐसा बताया होगा? इस महीने, अगले साल में हो जाएगा? नहीं, करवाऊंगा इसे बताता रहा, लेकिन आज तक नहीं हुआ, उस कमिश्नर के गए के दौरान। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि जिन्हें आप वोट देते हैं, सरकार में शामिल करवाते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, जैसे कि अभी संसदीय चुनाव है, तो सांसद का क्या नाम, सांसद का नाम जानते हैं जी? क्या नाम है उनका? हिमांद्री सिंह। हिमांद्री सिंह जैसे फिर अभी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तो क्या आपने उनको देखा 5 साल में पहले या 5 साल के बाद या बीच में? नहीं सर, हमारे गांव में नहीं देखा सर, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? नहीं देखा। क्षेत्र भ्रमण करते हुए? क्षेत्र भ्रमण करते में कभी नहीं देखा उसको, मैं राजिंग ग्राम में 2-3 चक्कर देखा हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं देखा। बाकी मतलब राजिंग ग्राम उनके निवास में देख सकते हैं, आपके क्षेत्र में सांसद जी कभी नहीं आते? नहीं नहीं, नहीं देखे। मान लीजिए अभी जो विरोध कर रहे हैं आप लोग कि विकास नहीं तो वोट नहीं जी, क्या लगता है कि अगर आपका विरोध सरकार को बदल सकता है? बिल्कुल, बदलने का तो ऐसे होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, सीधे हमको विकास दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कालूराम बैगा जी हैं जो हमें बता रहे हैं कि कमिश्नर जी के पास भी गए थे, कमिश्नर साहब के पास, और सांसद जी को सिर्फ उनके निवास पे ही देखे हैं, कभी भी अपने क्षेत्र पे नहीं देखे। इसे साफ साफ ये जाहिर होता है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ जनता का वोट लेने पे माहिर है, वोट लेने के बाद
जनता के पास कभी जाते नहीं है, जनता को देखने नहीं जाते किस हाल में है। और भी कुछ तस्वीर है, तस्वीर दिखाएंगे गांव की, किस तरह बदहाल स्तर है, बदहाल हालत में, माली हालत में जी रहे हैं। बने रहिए ओंकार सिंह के साथ, एमके न्यूज की खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार सिंह, एमके न्यूज चैनल पे हम आपको दिखा रहे हैं विकास किस तरह से जमीनी हकीकत पे है। जब हम आए हुए हैं पुष्पराजगढ़ की, बैगा जनजाति का हाल बेहाल है। न यहाँ आवास है, न पानी की सुविधा है, न सड़क है, न स्वास्थ्य है। राजनेताओं ने सिर्फ इन्हें वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं दिया, आश्वासन पे आश्वासन। जमीनी हकीकत ये है कि ये मजबूर है पानी के लिए, सड़क के लिए, आवास के लिए, बिजली के लिए। इन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है, जिला प्रशासन तक, कमिश्नर तक, कलेक्टर तक, राजनेताओं तक अपनी आवाज़ शिकायतों के माध्यम से पहुँचाने की भरपूर कोशिश की, पर इनके ऊपर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और भी कुछ दिखाएंगे कुछ तस्वीरों में, बने रहिए एमकेएन न्यूज के साथ, ओंकार सिंह की खबर। हाँ, डोंगरिया ही नहीं, कई ऐसे गांव हैं। और सांसद जी ये बता दें कि 5 साल आप सांसद रही हैं, किसी भी पुष्पराजगढ़ ही नहीं पूरे संसदीय क्षेत्र में वोट लेने के बाद आप किसी गांव में गए हैं कि नहीं है। केंद्र शासित जो अपनी की योजनाएँ हैं, राज्य की जो योजनाएँ हैं, क्या डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, अब ये डबल इंजन की सरकार कहाँ रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि वो कितने काम हुए, आप हम तो डिबेट करने के लिए तैयार हैं, आप बैठा दीजिए कि 5 साल की आप रखें, 5 साल की हम भी रखेंगे, और दोनों का डिबेट हो जाए कि आपने कितना काम किया, हमने कितना काम किया, दोनों का हो जाए। इसके लिए हमें कोई तनिक भी संकोच नहीं है। हम तो जब भाजपा का सरकार है, इसके बाद भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कभी भी संकोच नहीं किया। नहीं है, एक ही नाला में भी है, थोड़ी नल जल की व्यवस्था नहीं है, नहीं है कुछ भी नहीं है, कुछ के नहीं है, नहीं है अभी तो खुदरा रिश्ता भी। आवास वास योजना, आवास नहीं है मोटर हमारे यहाँ, बिजली, बिजली नहीं है, बिजली भी नहीं है, हाँ, नहीं है। पानी भी नहीं है, हाँ, नहीं है सर, है ना, हाँ। और सड़क, अब सड़क को नहीं है, देखते हो बीमार होते तो मुश्किल माँ लगे कोई गाड़ी घोड़ा का खड़ा। नल जल है क्या? नहीं सर। बिजली? नहीं। पानी की क्या सुविधा है? कुछ नहीं। कुछ सड़क नहीं है। आवास? कुछ नहीं है सर। रोड नहीं है तो कहाँ नल जल रहेगा, यहाँ नदिया से तो गुजर करते हैं हम। यहाँ पर पानी की साधन कुएं से निकालते हैं, कुएं से निकालते हैं, फिर या माइनस खत्म हो जाए फिर जाएंगे वहाँ नाला। कितना दूर है नदिया? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर से पानी लाते हैं। और कभी सांसद वांसद आते हैं यहाँ पर? नहीं आते हैं सर। सांसद जानते कौन है? सांसद आते नहीं है तो कहाँ जानते हैं। अच्छा, सांसद जी कभी नहीं आई आपके हाल जानने के? नहीं है। और विधायक जी? कोई नहीं आया है।